Hello friends, welcome to my channel Make Law Easy. Today we are going to discuss about position of karta under our Hindu law. So chaliye hum isko discuss kar lete hain. So pehla point hai ki the position of a manager or karta in joint Hindu family is not analogous to any known system of the law. इसका मतलब है कि ये जो आपका हिंदू लॉ जो है इसमें अगर हम बात करें मैनेजर और कर्ता की जो हम बात करते हैं तो इसकी जो पोजीशन होती है वो आपका किसी से मिलती जुलती नहीं है. कोई भी जो नॉन सिस्टम ऑफ लॉ जो भी हमें पता है उनमें कोई भी जो हम टर्म यूज़ करते हैं जैसे पार्टनर हो गया, प्रिंसिपल या एजेंट वगैरह, ये हम इसके लिए कर्ता के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो कर्ता होता कौन है? कर्ता इज़ दी हेड ऑफ दी जॉइंट फैमिली. जो भी जॉइंट फैमिली होती है उसका हेड होता है कर्ता, जो कि आपका एक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ दी मेम्बर्स ऑफ जॉइंट फैमिली. मतलब जो भी जॉइंट फैमिली जो होती है उसके मेम्बर्स के बिहाफ में एक्ट करता है. द पोजिशन ऑफ कर्ता इज स्यू जेनेरिस. ठीक है ना? तो जो ये आपकी जो कर्ता की पोजिशन होती है वो आपकी स्यू जेनेरिस होती है. ठीक है, आप स्यू जेनेरिस होता क्या है आपका? स्यू जेनेरिस का मतलब होता है ऑफ इट्स ओन काइंड. क्या मतलब होता है स्यू जेनेरिस का? ऑफ. ठीक है ना? तो ये हमने पढ़ लिया कि जो पोजीशन ऑफ द कर्ता जो है वो आपकी स्यू जेनेरिस होती है. ये आप देखिए फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट आप ज़रूर लिखिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे पॉइंट्स मिले, अच्छे नंबर मिले. स्यू जेनेरिस का मतलब होता है ऑफ इट्स ओन काइंड. ठीक है ना? तो द रिलेशनशिप बिटवीन हिम एंड द मेंबर इज नॉट लाइक द प्रिंसिपल और एजेंट और लाइक द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म. तो अगर हम बात करें जो कर्ता होता है, जैसे हमने अभी ऊपर बात करा था कि कर्ता को ना तो हम पार्टनर कह सकते हैं, ना प्रिंसिपल कह सकते हैं, ना ही एजेंट. मतलब हम ये कोई भी टर्म उसके लिए स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं कर सकते. तो उसी में इन्होंने कहा है कि जो भी कर्ता होता है उसके बीच में और उसके जो मेम्बर्स होते हैं उनके बीच में आपका जो रिलेशन होता है वो किसी प्रिंसिपल या एजेंट की तरह नहीं होता, और ना ही ये रिलेशन पार्टनर्स की तरह, कोई किसी भी पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स के बीच में रिलेशन होता है उसकी तरह होता है. He stands in fiduciary relationship with members, but he is not a trustee. ठीक है, उसका जो अपने members होते हैं उनके साथ में fiduciary relationship होता है, बहुत important relationship होता है. But ये जो members होते हैं, but वो जो होता है उसका trustee नहीं होता है. मतलब अगर हम बात करें joint family का, trustee नहीं होता है. तो एक और टर्म हमने बात कर ली है कि ये जो आपका ये जो आपका कर्ता होता है वो आपका ट्रस्टी भी नहीं होता है. एंड नो बडी कैन क्वेश्चन व्हाट ही स्पेंड अंडर चार्जेस ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन. इसका मतलब है कि और कोई भी पर्सन जो है वो ये क्लेम नहीं कर सकता है कि उसने क्या अमाउंट आपका स्पेंड किया है. ठीक है ना? ऑन दी चार्जेस ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन. मिस अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि जब किसी कोई भी फंड है या हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ को अगर ढंग से यूज़ ना किया जाए, ठीक है ना, उसको इन अप्रोप्रिएट वे में आपका यूज़ किया जाए, उसे हम कहेंगे मिस अप्रोप्रिएशन. मतलब उसका सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो उसको चार्ज ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन में क्लेम नहीं किया जा सकता. वेन एनी को पार्सनर चार्जेस ऑफ इम्प्रॉपर एलिनेशन मेड बाय कर्ता, burden of proof lies on him to prove that such alienation is malafide act of the karta. इसका मतलब यह है कि अगर मान लो कोई भी co-partner है, जो भी joint family होती है उसकी property में जो भी co-partner होगा, अगर वो ये charge लगाता है कर्ता के ऊपर कि उसने आपका जो property है उसको improper way में alienate किया है, तो उस condition में improper way में alienate किया है तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है ये उस को-पार्टनर के ऊपर ही होगा. उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि जो आपका कर्ता है उसने इम्प्रॉपर वे में प्रॉपर्टी को एलिनेट किया है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसका जो एक्ट था वो आपका मेलाफाइड एक्ट था. मेलाफाइड एक्ट मतलब वो एक्ट जो कि आपका मतलब बुरी इंटेंशन के साथ में किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए, किसी को हार्म पहुँचाने के लिए किया जाता है. ठीक है ना? तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो पोजीशन ऑफ कर्ता वाला जो कॉन्सेप्ट था ये हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया है. नेक्स्ट जो हमारा वीडियो उसमें हम पावर्स ऑफ कर्ता जो है उसको डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग. एंड अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.